तो दोस्तों जब से ये इंस्टाग्राम की सेटिंग्स का न्यू इंटरफेस आया ना, बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि भाई वो अपने पर्सनल अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनको ये ही नहीं पता कि भाई वो ऑप्शन कहाँ गया, या फिर उनका प्रोफेशनल अकाउंट है तो वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को पर्सनल अकाउंट में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि भाई आप कैसे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को पर्सनल से प्रोफेशनल, या प्रोफेशनल आपका अकाउंट है तो उसे आप कैसे पर्सनल में कन्वर्ट कर सकते हो। सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है। एंड आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे तो भाई एक लाइक कर देना, चैनल पर नए आए सब्सक्राइब कर देना है, एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि भाई आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही कि नहीं रही। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करना बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि यदि आप कोई भी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाते हो तो वो सबसे पहले पर्सनल अकाउंट ही होता है, पर्सनल अकाउंट वो पब्लिक होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई आप पर्सनल अकाउंट को कैसे प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन को लगा दूंगा, ठीक है, आपको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले आपको अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट पर आना है। अकाउंट पर आने के बाद आपकी जो प्रोफाइल है वहां पर आना है। उसको ओपन करने के बाद आपको जाना है थ्री लाइन पर, एंड जिस अकाउंट को आपको प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करना है उसे ही आपको ओपन करना है। ठीक है, तो आपको आना है अपनी प्रोफाइल पर। प्रोफाइल पर आने के बाद आपको जाना है थ्री लाइन पर, फिर जाना है सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पर। अब यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है अकाउंट टाइप एंड टूल्स। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना, मैं एरो भी बनाते जाऊंगा वहां पर जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। एक मिल जाता है आपको स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, एंड आपको मिलेगा यहाँ पर ऐड प्रोफेशनल अकाउंट। तो भाई देखो यहाँ पर आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करना है। यदि आपका एक प्रोफेशनल अकाउंट है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, बट हमें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करना है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट पर। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे इसके बाद यहाँ पर आपको भाई चार बार कंटिन्यू करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर करते रहता हूँ अपने अकाउंट को, ठीक है, प्रोफेशनल अकाउंट में। तो मैं यहाँ पर रीड नहीं कर रहा हूँ, बट आप रीड कर करके ही कंटिन्यू करना। ठीक है, यहाँ पर चार बार कंटिन्यू कर देना। यहाँ पर आपको एक और न्यू सेटिंग मिल जाएगी कि भाई आपको एक कैटेगरी डिसाइड करना है, किस रिलेटेड अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कंटेंट डालना चाहते हो, आप किस चीज में इंटरेस्ट रखते हो, यहाँ पर आपको उसे सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, मैं यहाँ पर वीडियो क्रिएटर या डिजिटल क्रिएटर जो भी है, ठीक है, एडिटर, मैं किसी को भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर आपको एक ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा है डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल। देखिए इसका मतलब ये होगा कि भाई आप अपनी जो कैटेगरी आप जो बताना चाह रहे हो कि भाई आप वीडियो क्रिएटर में इंटरेस्ट रखते हो या आप एडिटर हो, तो यहाँ पर मैं बाजू में भी आपको दिखा दूंगा कि भाई यदि आप इसे ऑन करते हो तो आपकी जो कैटेगरी है इस तरह से अपनी प्रोफाइल पर दिखाई जाएगी, और यदि आप इसे ऑफ कर दोगे तो ओनली आपकी कैटेगरी तो वही रहेगी बट वहाँ पर डिस्प्ले पर नहीं दिखाई जाएगी यदि आप इसे ऑफ कर देते हो तो। ठीक है, हम इसे ऑन कर देते हैं एंड यहाँ पर डन कर देते हैं जिससे ये दिखने लग जाएगा। फिर यहाँ पर आपको भाई दो ऑप्शन फिर से देखने को मिल जाते हैं, एक क्रिएटर का और एक बिजनेस का। तो देखिए यहाँ पर भाई आपको क्रिएटर का मतलब क्या है एंड बिजनेस का मतलब क्या है। देखिए यदि आपका कोई बिजनेस है या कोई आपका ऐसा बड़ी दुकान है या जो भी है ना, मतलब आप कुछ बिजनेस कर रहे हो, उसको प्रमोट करने के लिए या फिर बिजनेस को आपको दिखाने के लिए आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को बिजनेस अकाउंट सिलेक्ट कर सकते हो, और आप अपने बिजनेस को यहाँ पर प्रमोट कर सकते हो, बता सकते हो भाई मेरा बिजनेस ये है वो है। ठीक है, वो बात अलग हो गई कि यदि आपका बिजनेस है तो आप बिजनेस सिलेक्ट कर सकते हो यदि आपको इंस्टाग्राम अकाउंट को बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करना है तो। ठीक है, बट हम एक क्रिएटर, भाई आपके पास कुछ होगा तो है नहीं, तो भाई आपको क्रिएटर ही सिलेक्ट करना। जैसे कि आप कोई रील अपलोड करना चाहते हो या पोस्ट या जो भी है ना, तो आपको यहाँ पर क्रिएटर सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पर कर लेना है आपको नेक्स्ट। जैसे ही यहाँ पर आप नेक्स्ट करोगे भाई यहाँ पर आपको एक ऑप्शन फिर देखने को मिलता है। तो यदि आपका एक फेसबुक अकाउंट है और उसे आप कनेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, या यदि आपका कोई फेसबुक अकाउंट है उससे यदि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक भी है, तो उन दोनों का एक सेंटर बन गया है अब अकाउंट सेंटर, तो उसमें दोनों सेटिंग आप शेयर कर सकते हो, एक दूसरे पर पोस्ट शेयर कर सकते हो, रील शेयर कर सकते हो, दोनों की सेटिंग आप यहीं से चेंज कर सकते हो अकाउंट सेंटर से। ठीक है, यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू कर दोगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। तो भाई मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ ये सेकंड वाली। ठीक है, यहाँ पर मैं क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद भाई यहाँ पर आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है अब प्रोफेशनल अकाउंट पर कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पर आपको 5 स्टेप्स कंप्लीट करना होगा तभी आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को इजिली चला पाओगे। यहाँ पर मैं एक एक करके सभी को बताते जा रहा हूँ, आपको ध्यान देना है एंड सुनना है आप इसे कैसे कंप्लीट कर सकते हो इन 5 स्टेप्स को। देखिए सबसे पहला स्टेप्स आपको देखने को मिलता है कंप्लीट योर प्रोफाइल, मतलब आपके अपने इंस्टाग्राम की जो प्रोफाइल फोटो है या जो कैप्शन रहता है ना, बहुत ही अच्छे ढंग से आपको फोटो लगाना है एंड आपके कैप्शन पर कुछ भी लिख सकते हो आपके मन से। ठीक है,
है और उसे कर देना डन, तो ये वाला फर्स्ट स्टेप हो जाएगा कंप्लीट। फिर उसके बाद भाई यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है टेल अस योर गोल्स, तो यहाँ पर भाई आपको जो भी सिलेक्ट करना है आप कर लेना। देख सकते हो यहाँ पर ये वाला सिलेक्ट कर लिया हूँ मैंने इन दोनों स्टेप्स में। तो भाई देखो ये मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना और फिर इसके बाद कर देना आपको डन कर देना, ठीक है। जैसे ही आप डन कर दोगे ये सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। अब भाई यहाँ पर आपको तीसरा स्टेप कंप्लीट करना है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो इसका मतलब ये है कि भाई आप अपने बारे में कोई आपकी एक पोस्ट है या तीन पोस्ट यहाँ पर आपको अपलोड करना है तो ये वाला स्टेप्स है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप अपने बारे में तीन पोस्ट अपलोड कर देना जिससे क्या है ये वाली स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगी। अब भाई यहाँ पर एक और स्टेप्स देखने को मिल रही है ग्रो योर ऑडियंस। तो भाई आप अपनी जो प्रोफाइल है या ये इंस्टाग्राम है उसे आप शेयर करना चाहते हो किसी और को, तो यहाँ से आप शेयर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना, ठीक है। ये वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर शेयर का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आप किसी को भी शेयर कर सकते हो, नहीं यहाँ पर डन कर सकते हो। मैं सीधे यहाँ पर डन ही कर देता हूँ एंड ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन दिख रहा है गेट इंस्पायर्ड। तो भाई आप किससे इंस्पायर्ड हो उसे आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हो, तो मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ, या आप फॉलो भी कर सकते हो, ठीक, फॉलो कर देता हूँ एंड डन कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है, ये कर दिया। फिर इसके बाद भाई आपके जो स्टेप्स हैं वो सभी कंप्लीट हो जाएंगी एंड आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है अब प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट कर लेते हो तो उससे फायदा ये होता है कि भाई देखो पर्सनल अकाउंट रहता ना तो उसमें आपको ज्यादा फीचर्स नहीं मिलते, बट यदि आप प्रोफेशनल अकाउंट कर लेते हो तो उसमें आपको अपनी इंस्टाग्राम रील रहेगी या स्टोरी रहेगी, उसकी आप परफॉर्मेंस देख सकते हो, आप अपने इंस्टाग्राम का परफॉर्मेंस देख सकते हो, भाई आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को कितना ग्रो कर रहे हो, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट दिन ब दिन कितना ग्रो कर रहा है या फिर ये रील वायरल होगी नहीं होगी, मतलब पूरा मोटा मोटा वहां पर आपको पता चल जाता है। आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के एंगेजमेंट देख सकते हो, रीच देख सकते हो, बहुत सी चीजें आपको देखने को मिल जाते हैं, बहुत से नए नए फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं नेक्स्ट लेवल, ठीक है। आप बहुत ही आसानी से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को इस तरह से प्रोफेशनल कर सकते हो। चलिए ये बात हो गई कि भाई आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को कर लिए प्रोफेशनल, उससे बहुत से फायदे हैं, आप यूज करोगे तो आपको पता चल ही जाएंगे और आप खुद यूज करना सीखो, ठीक है, जिससे आपको और अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है आपको इंस्टाग्राम चलाने में। चलिए ये हो गया प्रोफेशनल के बारे में, अब हम बात कर लेते हैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट है बट आप उसे पर्सनल अकाउंट करना चाहते हो। देखिए सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल को ओपन कर लेना जो इंस्टाग्राम अकाउंट को आप पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है। यदि आपका प्रोफेशनल अकाउंट में बिजनेस अकाउंट होगा या क्रिएटर, उसे आप पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको उस अकाउंट को कर लेना है ओपन। ओपन करने के बाद अब आपको जाना है प्रोफाइल पर, प्रोफाइल पर आने के बाद आपको जाना है थ्री लाइन पर, थ्री लाइन पर जाने के बाद अब आपको जाना है सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पर, सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पर जाने के बाद देखिए यदि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट प्रोफेशनल, प्रोफेशनल बिजनेस भी आता है क्रिएटर भी आता है, ठीक है। यदि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट प्रोफेशनल है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं एरो भी बनाते जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखते जाना, ठीक है। यहाँ पर आपको करना है क्लिक, इसके बाद आपको करना है स्क्रॉल। स्क्रॉल जैसे ही करोगे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है स्विच अकाउंट टाइप का एक ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर भाई आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को पर्सनल अकाउंट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको करना है क्लिक। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर दो बार क्लिक करना है, दो बार जैसे ही क्लिक करोगे आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को पर्सनल अकाउंट कर लोगे। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं भाई यदि आपका एक पर्सनल अकाउंट है तो समझ लो भाई वो एक नॉर्मल ही अकाउंट है। देखिए उसमें आपको ना ही कोई इनसाइट देखने का ऑप्शन मिलेगा, ना ही आप कोई स्टोरी की इनसाइट देख सकते हो, आपके इंस्टाग्राम अकाउंट की रीच भी नहीं देख सकते, मतलब जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड रहता है ना वो आपको दिखेगा ही नहीं। आप यदि अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को पर्सनल यूज करना चाहते हो, मतलब कि कोई नॉर्मली चैट हो जाए या फिर कोई आप फोटो डालना चाहते हो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में नॉर्मल, वो डाल सकते हो, रील है वो डाल सकते हो, ठीक है। बट आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो पब्लिक रहेगा, आपकी इंस्टाग्राम अकाउंट की फोटोज, फॉलोवर्स, फॉलोइंग और आपकी जो पोस्ट है वो सभी कोई देख सकते हैं, ठीक है, यदि आपका एक पब्लिक अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। और यदि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को कोई नॉर्मल, मतलब ऐसी कोई परेशानी आ गई है जिसके कारण आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्राइवेट करना चाहते हो तो इजीली आप प्राइवेट कर सकते हो। और यदि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट प्रोफेशनल है तो उसे आपको सबसे पहले पर्सनल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्राइवेट कर सकते हो, ठीक है। आपको ये फायदा मिलेगा और कोई फायदा नहीं मिलेगा। यदि आपको एक नेक्स्ट लेवल कोई फीचर चाहिए आपको, या फिर आप इनसाइट देखना चाहते हो, या फिर आप फेमस होना चाहते हो, तो आपको पर्सनल अकाउंट को प्रोफेशनल में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। चलिए आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना एंड वीडियो पसंद आई हो तो भाई आप लाइक नहीं करते हो, लाइक तो कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूल ही जाते हो तो वो भी नहीं करते हो। चलिए इस वीडियो में इतना ही, आपको वीडियो कैसी लगी
कमेंट करके जरूर बताना, एंड बाय।